नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली बेटा न्यूज चैनल पर। आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए हैं। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में एम्स अस्पताल और खाद कारखाने समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर पूर्वांचल को एक बार फिर से सौगात दे दी। 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने गोरखपुर से समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। बिना किसी का नाम लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने गहरा तंज कसते हुए कहा कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, इन्हें सिर्फ लाल बत्ती के लिए सत्ता चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज पूरा यूपी जानता है कि लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब रहा है। इन्हें माफियाओं को छूट देने के लिए, जमीन कब्जाने के लिए और आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए सरकार चाहिए। आपको बता रही हूँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि इससे पहले की सरकारों ने कैसे भुगतान के लिए रुला दिया था। पहले की सरकारों ने हमने वह दिन भी देखे हैं जब अनाज होते हुए भी गरीब को नहीं मिलता था। अब हमारी सरकार ने गरीबों को राशन देने के लिए गोदाम खोल दिए हैं। उन्होंने कहा, आज पहले ही की सरकार की बेरुखी याद आती है। सब जानते थे कि गोरखपुर का खाद कारखाना कितना जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू कराने में कोई रुचि नहीं दिखाई। एम्स की शुरुआत यहां हमेशा से थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे उन्होंने इसके लिए जमीन के लिए भी तमाम बहाने बनाए, फिर बड़ी लंबी कवायद के बाद जमीन मिली। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। ऐसे प्रोजेक्ट्स के बीच पीछे बरसों की मेहनत और दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग नहीं समझेंगे कि कोरोना काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही और काम रुकने नहीं दिया। योगी सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय से गोरखपुर समेत बड़ा क्षेत्र सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के भरोसे चल रहा था। ऐसे में लोगों को इलाज के लिए बनारस या लखनऊ जाना पड़ता था। योगी सरकार ने इस क्षेत्र में जो काम किया है उसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि एम्स और आईसीएमआर रिसर्च सेंटर बनने से अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्त के अभियान को मजबूती मिलेगी। जी हां, आपको बता देंगे, इसके अलावा दूसरी बीमारी से बचाव में भी यूपी को बहुत मदद मिलेगी। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ और सस्ती हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यूपी 17 करोड़ रुपए कोरोना टीकों के पड़ाव पर पहुंच चुका है। देश भर में 16 नए